तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। अपने बच्चों का भविष्य बनाएं सुनहरा। उत्तर बिहार का मशहूर शिक्षण संस्थान मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस दरभंगा, जहां एक ही छत के नीचे पारा मेडिकल के डिप्लोमा एवं बैचलर और सेफ्टी एवं मैनेजमेंट कोर्स कराया जाता है। टाइम्स टुडे दरभंगा न्यूज के माध्यम से छूट प्राप्त करें। संपर्क करें मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, सेकंड फ्लोर हलाल हॉस्पिटल करमगंज दरभंगा। आज देर शाम दरभंगा जिला के नगर थाना परिसर में दरभंगा के डीएम, एसएसपी, सीटीएसपी, डीएसपी एवं शहरी क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ हाई लेवल मीटिंग की गई है, जिसमें दरभंगा के शांति समिति के भी सदस्य उपस्थित थे। इस मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है उसको देखते हुए 100% पालन करवाने हेतु आज फिर से बिफरिंग की गई है। जी हाँ, दरभंगा जिला में दशहरा के दिन भी कई जगह मूर्तियों का विसर्जन होता है एवं कल होकर के भी मूर्तियों का विसर्जन होता है एवं 19 तारीख को ईद मिलाद है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बैठक की है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि सभी पूजा समितियों से वार्ता कर जिस समय में तय किया गया हुआ है मूर्ति विसर्जन का, उसी समय मूर्ति विसर्जन किया जाएगा तथा ईद मिलाद में 50 आदमी से ज्यादा आदमी ना हो, बाइक की रैली ना निकले, डीजे ना बजे, इन सब चीजों को लेकर के जिला प्रशासन ने आज जिला समिति के साथ, शांति समिति के साथ बैठक कर उन्हें फिर से जो आदेश बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है फिर से उस चीजों पर ब्रीफिंग की गई है। जी हाँ, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि जो माहौल अभी दरभंगा में बना हुआ है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। आगे देखिए, दरभंगा के डीएम ने तथा एसएसपी ने जो बैठक हुई है उसके हेतु क्या कुछ कहा। आज दशहरा का जुलूस जो कल और परसों निकलना है और 19 तारीख को जो जुलूस निकलना है अंजुमन की तरफ से, दोनों के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई। दोनों के लिए हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 50 से ऊपर लोग जुलूस में नहीं रहेंगे, जबकि विशेषकर 19 वाले जुलूस में परंपरा रहने के बाद कही गई कि काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि अभी काफ़ी समय है, पहले भी कहा जा चुका है, लिखित भी दिया जा चुका है एसडीओ के स्तर से, इसलिए जो भी भीड़ दूर से आती है या हर मोहल्ले से आती है उसको सीमित, बिल्कुल ही सीमित रख करके 50 की संख्या को अनुपालन कराने के लिए शांति समिति सदस्यों से अनुरोध किया गया और आयोजक को भी निर्देश दिया गया। साथ साथ दशहरा का जुलूस का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के अनुसार निकले, समय पर मूर्ति उठ जाएँ और विसर्जन समय पर हो जाए, इस पर भी जोर दिया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि इन सभी निर्देशों को, विशेषकर कोरोना को लेकर के, कोविड को लेकर के नया निर्देश सरकार ने निर्गत किया 50 से ऊपर नहीं निकलना है, इसको सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दिया। बैठक में दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि जैसा कि निर्देश दिया है प्रशासन ने कि जुलूस में 50 की संख्या तक सीमित रखना है, तो दोनों लोगों ने कहा है कि दशहरा के जुलूस में भी और 19 तारीख को निकलने वाले जुलूस में भी इस संख्या वाली शर्त का पालन किया जाएगा। इसके अलावा डीजे नहीं बजाना है और जो दूसरे निर्देश हैं उसका पालन करने के लिए सहमति बनी है। अपने पुलिस पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी पूजा समितियों से लगातार संपर्क में रहें और उनसे विसर्जन की डेट और टाइम का पता कर लें और उस टाइम के अनुसार ही इस विसर्जन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराएँ। और अभी तक सब ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। 19 तारीख के जुलूस को लेकर के शांति समिति के मेंबरों ने प्रशासन से कोई कमिटमेंट किया है कि हम इस पे इसको सख्ती से लागू कराएंगे?
उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि संख्या की शर्त का पालन हो और कम से कम लोग जुलूस में भाग लें। 19 तारीख को जो जुलूस है मोहम्मदी निकलना है, क्योंकि कोविड का गाइडलाइन है, सरकार का गाइडलाइन है, चाहे वो मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो या जो भी कोई त्यौहार मनाया गया है, वो एक सीमित सांकेतिक रूप से मनाया गया है और एक लिमिटेड आदमी को करा गया है। अभी जो डीएम साहब एस एस पी साहब आए थे वो भी कहे हैं कि भीड़ ज़्यादा नहीं हो, और चूंकि इलेक्शन भी है 20 तारीख को, 19 तारीख का आपका प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सारे मुसलमान भाई को कि जो जुलूस निकालते हैं वो जुलूस मोहम्मदी अपने मोहल्ले से निकाल रहे हैं, निकालें, लेकिन तादाद बहुत कम हो, तादाद में निकलिए और हर 85 आदमी निकलें, ये संभव नहीं है कि 50 आदमी से निकले। एक बात तो यह है कि हम कल हर मस्जिद से एक अनाउंस कर रहे हैं कि न डीजे लावें, न मोटरसाइकिल लावें, डीजे लावेंगे वहीं जब्त कर लेंगे। अगर कोई भी मोहल्ले वाला डीजे लाएगा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, मदद से मीडिया ने उसको बंद कर दिया। इस फैसले को हम बेहतर मानते हैं, कोविड है, कोविड को लेकर क्या कहते हैं, ये फैसला लिया गया है कि आप कम संख्या में आप रहिए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और अंजुमन खुदा में मिल्लत की जानिब से जो जुलूस निकलता है उसके सारे लोग सहयोगी होते हैं, और उन लोगों को भी ये समझाया जाएगा कि क्या कहते हैं, आप कोविड के कोविड-19 को देखते हुए जो प्रशासन का नियम है तो उसको देखते हुए हम लोग कम तादाद में लोग निकलेंगे, और क्या कहते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से किला घाट से निकलेंगे, दारू भट्टी चौड़ा होते हुए, मिर्जापुर होते हुए आपको हम लोग फिर मदरसा हमीदिया में आके ख़त्म हो जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से होगी, और हमारा माध्यम जो होगा वो कल मस्जिद होगा, मस्जिद हम लोग अनाउंसमेंट कराएंगे। कल जुमा है इसलिए हर मस्जिद से अनाउंसमेंट होगा, कल जुमा है, जुमा होने के कारण कल मस्जिद हम लोग अनाउंसमेंट कराएंगे कि आप कम तादाद में आइए और शांतिपूर्वक तरीके से इसको जुलूस को मनाया जाए, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश को बहुत ही अच्छे से और शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से मनाया जाए। आपका परिचय? मैं परिचय का कार्यकारी सचिव अंजुमन खुदा में मिलत।